हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, आपको कौन से सैनिटरी पैड यूज़ करने चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं आपके साथ जो तीन ब्रांड दिखाने वाली हूँ उसमें से आपको कौन सा बेस्ट है और कम रेट में आप कौन सा पैड यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। मेंस्ट्रुअल की जो प्रॉब्लम है ये हर लड़की को फेस करना ही पड़ता है, बट ऐसे जो पैड्स यूज़ करें जिनसे हमें कोई बीमारी ना हो। और जो आज मैं पैड के बारे में बताऊंगी बहुत ही रिजनेबल रेट पर आपको मिल जाता है, कहीं भी आपको मिल जाएंगे ये पैड्स और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये तीन सैनिटरी पैड्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा ले सकते हो और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ हम पहले बात करते हैं स्टेफ्री। इसका लार्ज साइज़ तो है बट ये हैवी फ्लो होगा आपका तो नहीं रोक पाता है, क्योंकि ये मैं यूज़ करके देख चुकी हूँ तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड इसमें से ये है विस्पा भी हैवी फ्लो जब होता है तो ये नहीं रोक पाता है और इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों से अच्छा मुझे सैनिटरी पैड्स ये लगा 9 का है। अभी काफ़ी दिनों से मैं ये 9 का जो पैड है ये यूज़ कर रही हूँ और इसकी क्वालिटी की बात करें तो A1 क्वालिटी है इसकी है। ये 100% कॉटन है और जब आपका हैवी फ्लो होता है तो उसके लिए भी ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। अगर आपका हैवी फ्लो है तो आप इसे 5 से 6 घंटे काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लाइट फ्लो है तो आप इसको 12 घंटे आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट इसका प्राइस जो है अभी 36 रुपीज़ है, इसका 40 रुपीज़ है एंड इसका जो है अभी 30 रुपीज़ है, बट अभी कुछ दिनों से ये 35 रुपीज़ में मिल रहा है। तो साथ में आपको ये बैग्स भी तो मिल रहे हैं जिनको ये एक्स्ट्रा बैग्स देते हैं, ये 6 बैग्स से भी ज़्यादा होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने निकाली हुई है कि इसमें ये लोग बैग भी दे रहे हैं साथ में। ये लार्ज साइज़ है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है और आते हैं इसमें 6 पैड्स आपको मिल जाते हैं। ये 9 सैनिटरी पैड्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ये लोग ये डिस्पोजल भी देते हैं, जिसमें हम पैड्स को यूज़ करने के बाद इसमें इस तरीके से ये जो आता है इसमें इस तरीके से ये होता है, यूज़ करने के बाद इसके अंदर डाल दो और डालने के बाद इस पॉलीथीन को हटा करके और इसको पेस्ट करके आप डस्टबिन में डाल दें। इसमें फ़्लश करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपको पैड्स यूज़ करो तो उसको फ़्लश नहीं करना चाहिए, डस्टबिन वगैरह में डाल देना चाहिए। डिस्पोजल बैग्स ना ही विस्पा में आता है ना ही स्टेफ्री में आता है, ये जो फैसिलिटी है आपको 9 में मिल सकती है। और 9 की खास बात ये भी है कि ये इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बहुत ही कंफर्टेबल। इसका विस्पा के जो साइज़ होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप लेटते हैं उठते हैं बैठते हैं तो वो लीक होने का डर होता है। इसका जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है तो जब आप लेटते हो या सोते हो या बैठते हो तो भी आपको ये नहीं टेंशन होती है कि आपका लीक हो रहा है। बट इसका जो है ये जो स्टेफ्री होते हैं ये थोड़े पतले होते हैं, इनमें लीक होने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। और मैं ये 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इससे पहले मैं ये यूज़ करती थी बट इसे मैं इससे सेटिस्फाई नहीं थी। और विस्पा तो मैंने 1 से 2 बार ही यूज़ किया है बट इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैं इसे लेती नहीं हूँ। बट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं ब्रांड्स और आपको कंपेरिज़न बताने के लिए कि 9 जो है 9 सैनिटरी पैड है ये बहुत ही अच्छा है, ये आपको हर शॉप पे मिल जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो, कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। इसका मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है और ये काफ़ी मोटा है, हैवी फ्लो के लिए बेस्ट है और इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी होता है। इसको आप हटाकर और इसको आप इसको खोलकर पैंटिंग में पेस्ट कर दें तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जब आप यूज़ करते हो तो इसकी फीलिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, ऐसा हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप यूज़ करते हो तो 9 के पैड्स यूज़ करें जिसमें आपको डिस्पोजल बैग्स मिल जाते हैं, बट इन दोनों में बैग्स नहीं मिलते हैं तो आपको ये सोचना पड़ जाता है कि हम कैसे इसको
डस्टबिन में डालें है। अगर आपको हैवी फ्लो कम होता है एंड आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मैंने पैंटी लाइनर के बारे में भी रिव्यू दिया है, डिटेल में रिव्यू दिया हुआ है एवर्टीन की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप यूज करना चाहते हो सैनिटरी पैड्स तो आप 9 के सैनिटरी पैड एक बार यूज करके देखो, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।